मैं पहले बहुत पहले एक भजन गाता था, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, इस शरीर से निकलना पड़ेगा, ये शरीर रूपी घर खाली करना पड़ेगा, मिला हुआ है छोड़ना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, धर्मशाला को अपना घर मानकर बैठ गए, रैन बसेरा है यहां तो कुछ रात्रियां रहना है, जाना है, जाने से पहले जागना, हरिद्वार जाकर कोई फ्लैट लेकर रहने से बात नहीं बनेगी, वृंदावन में कोई कमरा खरीद कर रहने से बात नहीं बनेगी, बद्रीनाथ जाकर रहने से कल्याण नहीं होगा, कल्याण सदगुरु की उपासना करके जागने से होगा, भागने से नहीं होगा, दिल्ली छोड़ के मैं हरिद्वार चला जाऊं, नहीं, भागना मत जागना, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, मेहमान अपने को मेजबान मान बैठा, मेहमान गया किसी के घर, मेजबान ने घर वाले ने खातिरदारी की, 11 बज गए, मेहमान जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, झोंके भी खा रहा था, नींद आ रही थी, आखिर मेजबान ने कहा, घर वाले ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नींद आ रही है, मेहमान बोला बिल्कुल ठीक, मेरे को नींद आ रही, मैं सोच रहा हूं कि आप अपने घर जाओ तो मैं सो जाऊं, घर वाला बोला ये मेरा घर है, आपका घर नहीं है, आपका घर तो रोहिणी में है, आप पीतमपुरा में बैठे हो, आप वहां जाइए, उसको लगा अरे सॉरी सॉरी माफ कीजिए, मैं तो इसी को अपना घर मान बैठा था, अब पता चला कि मैं तो यहां मेहमान था, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू सवारे, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू सवारे, ये भाड़े का क्वार्टर है, इसको सजाओ भले, पर पक्का याद रखना कि खाली करना है, किराए के मकान को सजाओ पर सोचना ये अपना नहीं है, खाली करना है, ये भी किराए का मकान, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू सवारे, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू सवारे, जिस दिन तुझे घर किराया भी भरना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, अच्छे और बुरे जो कर्म किए हैं वो किराया भरना पड़ेगा, करना पड़ेगा, काया यहां तो कोई बुरा काम करे
छुप कर, कोई पाप करे, किसी की हत्या करे, कोई रुपए देकर केस को दबा दे, यहां फाइल नहीं खुलेगी पर वहां सबकी फाइलें खुल जाती, क्योंकि भगवान के 14 चर जीव के हर कर्म के साक्षी बने हुए। भागवत में लिखा है छठे स्कंद में, सूर्य साक्षी है हमारे कर्म का। रात को सूर्य नहीं तो चंद्रमा साक्षी है। तो बोले अमावस्या को चंद्रमा कहां होता है, तो तारे साक्षी है, तो भागवत में लिखा है। तो बोले बादल छाए हुए हो, रात को तारे न दिख रहे हो, तो कौन साक्षी, हमारी इंद्रियां साक्षी, इंद्रियों के देवता होते हैं ये, ऐसे ही नहीं मिली आंख कान आदि, इसके देवता है, वो साक्षी है कि क्या किया। धरती साक्षी, वायु साक्षी, पानी साक्षी, संध्या साक्षी, काल साक्षी, काल चौदह साक्षी बताए, किससे कैसे बचकर छुपकर कोई कर्म करे, इसमें कोई गलती हो जाए ना तो प्रायश्चित भी कर लेना चाहिए। भगवान नाम जप करके प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे सद्बुद्धि दे, नहीं तो वहां तो सब होगा, भले बात ना माने कोई सत्संग की, शास्त्र की, गुरु की, पर वहां यमराज की जब अदालत चलो, अग्नि में जलना पड़ेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, श्री राम।